हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ और सैनिटरी के बारे में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज शाम 7 बजे और डेली इवन 7 बजे सैनिटरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सिलेबस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है फर्स्ट सिलेबस में, प्रथम सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पे सिंपली दे दिया हुआ है सामान्य अध्ययन। और इस सामान्य अध्ययन में क्या पूछेगा ये यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं मेंशन्ड है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद, बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट पेपर में आखिर क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है समसामयिक घटना और दैनिक प्रेक्षण। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा इसमें करंट रहेगा। करंट में भी दोनों नेशनल और बिहार का, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है तो बिहार का करंट जरूर रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो करंट हो गया पहला। दूसरा है यहाँ पे वैज्ञानिक पहलू, यानी कि जनरल साइंस इसमें जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया करंट, दूसरा हो गया जनरल साइंस। और एक्चुअली समसामयिक घटना और इससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें इन्वायरमेंटल जरूर आता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें पूछी जाएंगी, एक तो आपका इन्वायरमेंटल, दूसरा जनरल साइंस और तीसरा करंट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, करंट आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ से मिल जाएंगे आपको, प्लस बहुत सारी बुक्स भी आती हैं करंट की, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए बिहार के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो, सबसे ज़्यादा आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं बिहार के एग्जाम्स के लिए इडोटेरिया, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जनरल साइंस के लिए मैं आपको बता दूं, आप पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, जैसे घटना चक्र आप पढ़ सकते हो, इसके अलावा लूसेंट आप पढ़ सकते हो। घटना चक्र भी अगर कंप्लीट कर दोगे तो साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे इसी चैनल पे ऑलमोस्ट 40 से 45 प्रैक्टिस सेट है जनरल साइंस का। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे जनरल साइंस के तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें लगा लेते हो तो आपका ओवरऑल टोटल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा है इन्वायरमेंटल, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस सेट आएंगी और बहुत जल्द आएंगी, तो आपका ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट हैं फर्स्ट में, क्या क्या, तो करंट, जनरल साइंस और इन्वायरमेंटल, ये तीनों पढ़िए और अच्छे से एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। दूसरा, आप सभी लोग जानते हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है कि हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है बहुत सारा प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिलेबस भी इसका इंग्लिश में ही मेंशन्ड है, तो हिंदी में मिल पाना बहुत मुश्किल है, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको हिंदी में भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का ओवरऑल सिलेबस दिया हुआ है, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पुरानी वीडियोस में या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब बात आती है बुक लिस्ट की, कि हम कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। ये वीडियो एक्चुअली कंप्लीट बुक लिस्ट के ऊपर ही है। पहला सिलेबस मैंने आपको बता दिया, करंट आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे चैनल्स हैं उसके PDF ले सकते हो, या आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आप वहाँ से कर सकते हो। साइंस के लिए बेस्ट है घटना चक्र और लूसेंट, इतना कर लोगे आपका ओवरऑल साइंस कवर हो जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट है हमारे पास, हमारे इस चैनल पे 40 टू 45 प्रैक्टिस सेट के आसपास हैं, अगर आप पूरा कर लेते हो तो कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल के लिए भी आप घटना चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों तो आपको मैंने बता दिया है। अब बात आती है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस किस बुक का हम इस्तेमाल करें या कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CPCB के वेबसाइट से जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी कुछ पढ़ जाइए। जितने भी रूल्स अभी तक आए हैं वो सारे रूल्स आपको वहाँ इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने ये सारे रूल्स आपको पढ़ाए हुए हैं, तो इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा WhatsApp ग्रुप है, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो इसका PDF आप वहाँ से लेके पढ़ सकते हो सारा, या फिर हमारा वीडियो देख के भी आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो CPCB के वेबसाइट पे जो भी कुछ अवेलेबल है, प्लस बिहार का जो वेबसाइट है उस पर जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो सभी कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप जुड़ते हो हमसे, हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। अब बात आती है कि कौन कौन से, तो सारे, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये जितने भी हैं सभी पीडीएफ एक्चुअली मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया हुआ है। अगर प्रीवियस वीडियोस आप जाके देखते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें वीडियो से कम और पीडीएफ से पढ़ने की ज़्यादा आदत होती है, तो आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब सिर्फ इतना ही इस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मेंशन्ड है, उनके लिए हमें बुक्स की ज़रूरत है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो एक वेबसाइट है www.easyengineering.net, यहाँ से मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बुक डाउनलोड की थी, बहुत मुश्किल से ये मुझे मिला था और यही मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ एक्चुअली। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, हमारे थ्रू आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जितने भी सॉलिड वेस्ट और उससे रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट स्कीम्स हैं, जो कुछ भी हमारे सिलेबस में है, वो टोटल इसके अंदर कवर्ड है, जो आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये एक बुक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, सीवेज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग, जो कि संतोष कुमार गर्ग की है। चाहो तो आप इसे मार्केट से ले लो या हम इसे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके लिए आप ले सकते हो बुक, ये भी संतोष कुमार गर्ग की ही बुक है, वाटर सप्लाई एंड इंजीनियरिंग की, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बुक है। एक्चुअली ये वॉल्यूम 1 है और ये सीवेज वाला वॉल्यूम 2 है, जो दोनों आपको मिल जाएगा। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ये सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी मैं फी इसके लिए लूंगी, थोड़ी सी दैट मीन्स कि 50 रुपीज़, बहुत ज़्यादा फी नहीं ले रही हूँ मैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी फी लूंगी। ₹50 आपको पे करने हैं 7052529525, ये हमारा नंबर है गूगल पे का। आप इस पे करके, और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे स्क्रीनशॉट भेजोगे, 5 मिनट के अंदर आपको ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग CPCB की वेबसाइट से। वैसे वो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं सिर्फ ये 3 बुक्स के बारे में बता रही हूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बुक और सिविल डिस्पोजल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये 3 बुक्स हैं। और अगर आप इसे मार्केट में खरीदने जाओगे तो ऑलमोस्ट ₹1000 आपके लगेंगे, बट मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रही हूँ वनली ₹50 में आपको मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा टाइम अब बचा हुआ नहीं है, वनली 60 डेज बचे हुए हैं अभी से, और 60 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, सॉरी 30 डेज, 30 डेज बचे हुए हैं। और इन 30 डेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 12-13 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है और हमारे पास बहुत कम टाइम है इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो मल्ली ₹50 आपको पे करने हैं, कहाँ, 7052529525, ये हमारा नंबर है, इस पर आपको पे करके, और इसी पे व्हाट्सएप भी है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज मैं तो पढ़ाऊंगी ही हमारे इस चैनल पे इन सभी बुक्स को, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। फॉर सेफ साइड मैं ये बोलूँगी कि आप पीडीएफ ले लो और पढ़ाई करो, क्योंकि ये बहुत मैंने मेहनत की है, तो जस्ट थोड़ा सा फी मैं इसके लिए ले रही हूँ। तो ये आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो हमारे चैनल पे कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है बीपीएससी स्पेशल, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।